बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 19 एंड द टाइटल ऑफ लेक्चर नंबर 19 इज एडवर्टाइजिंग एंड IMC मीडिया प्लानिंग। सो टुडे वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ मीडिया प्लानिंग, हाउ यू कैन चूज अ मीडिया फॉर योर एडवर्टाइजिंग रिक्वायरमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, फर्स्ट वी विल गो इन टू द डिटेल व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टूडे। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल एड्रेस इज व्हाट आर द स्टेप्स इन द मीडिया प्लानिंग प्रोसेस। नंबर टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीच एंड फ्रीक्वेंसी। दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज मोस्टली व्हाइल वी आर चूजिंग द मीडिया, and media selection based on the reach and the frequency. How do you determine a media mix? Again, I will share some example with you. Some of them are from the real life. How you can make a media mix for your brand or product. What role does cost play in selecting media? Again, especially in today's competitive environment, the cost is very important. So you should take care of how much you are paying and what are you gaining against that cost. What factors are involved in scheduling media? Again, suppose if you want to buy the media, you want to run in an interval. So what are the factors that you should take care of? Chapter perspective. Media are the bridge that connects organizations to consumer. देखिए, आपने एक एडवर्टाइजिंग मैसेज बना दिया, आपने एक कंपेन तैयार कर दी। नाउ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट योर मैसेज टू योर कंज्यूमर। ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आप कोई मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसने यहाँ पर कहा कि जो मीडिया जोन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके मैसेज को आपके कंज्यूमर या टारगेट मार्केट तक लेकर जाता है, और इन सिंपल वर्ड्स इट कनेक्ट्स यू विद योर कंज्यूमर। अगर आपने मीडिया ही सही चूज़ नहीं किया, या वो मीडिया के जो आपके टारगेट मार्केट के साथ मैच नहीं करता, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो मैसेज जो है वो आपके कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा। मैसेज कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा तो अल्टीमेटली आपको कोई रिस्पांस नहीं आएगा। रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर इसका क्या फ़ायदा। इसलिए मीडिया सिलेक्शन जो है इतना ईजी काम नहीं है। इसके लिए यानी कि स्पेशली नाउ अ डेज कि जहाँ पर आपके पास मीडिया ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर मीडिया की सिलेक्शन जो है एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर बन गया। बहरहाल आज हम डिस्कस करते हैं कि क्रिटिकल फैक्टर कैसे है और गुड मैनेजर्स जो हैं वो कैसे इस पे यानी कि ओवरकम करते हैं, हाउ दे मेक देयर स्ट्रेटजीज, हाउ दे चूज देयर मीडिया। तो हम आज ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू आर एबल टू नो हाउ यू कैन चूज अ गुड और बेटर मीडिया। बिफोर स्टार्टिंग आवर फॉर्मल डिस्कशन, आई जस्ट वांट टू शेयर वन केस विद यू। बेसिकली दिस इज अ वेरी फेमस जीन्स, दैट इज ली जीन्स। अब ली जीन्स जो है इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन हुआ क्या कि ओवर द टाइम्स जो यंग जनरेशन थी उसने अपना इंटरेस्ट जो है वो ली जीन्स में कम कर दिया। उनका ये ख्याल था कि ये एक ओल्ड फैशन जीन बन गई है, ये वही जीन है जो कि हमारे क्या नाम में पेरेंट्स भी पहनते थे, अब हमें भी पहननी पड़ रही है, और इसमें कोई नई डिज़ाइन में कोई इसमें यानी कि इनोवेशन नहीं है, कोई ऐसी अट्रैक्टिवनेस नहीं है कि जिसकी वजह से ये जो यंग जनरेशन जो सी है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये तो था प्रॉब्लम ली जीन्स के साथ। अब ली जीन्स ने क्या किया,
उन्होंने इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन कम्पेन तैयार की, और उस कम्पेन में उन्होंने ये जो करेक्टर आपको नज़र आ रहा है बड़ी ली, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। बड़ी ली जो है उसने ख़ुद भी जीन पहनी हुई है, और वो अपना जो है ब्रांड मैसेज जो है वो डिफरेंट अंदाज में कम्युनिकेट करता था। आए देखते हैं कि यानी कि केस क्या था, उसमें चैलेंज क्या आते हैं, उसको उन्होंने एड्रेस कैसे किया, और फाइनली उसके रिजल्ट क्या आए। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि चैलेंज ये था कि अपडेट अ बोरिंग ब्रांड, ब्रांड जो सा था वो बोरिंग हो गया था। स्पेशली जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, दे लॉस देयर इंटरेस्ट इन दैट ब्रांड, और वो यही समझते कि जी ये ओल्ड फैशन ब्रांड है, बूढ़े लोगों का डिज़ाइन है, ठीक है, और ये हमारे लिए नहीं है। अब इन्होंने इस चीज़ को यानी कि एड्रेस करना था, इन्होंने जो यंग जनरेशन जो सी है उसको अट्रैक्ट करना था, और उन्हें बताना था कि ये एक पुराना ब्रांड ज़रूर है, लेकिन ये साथ ही एक अपडेटेड ब्रांड है, और ये आज भी जो यंग जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। अब उन्होंने उसके लिए क्या किया, द प्रिपेयर्ड एंड इंटीग्रेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम फीचरिंग द बड़ी ली थीम विद बड़ी ली, ये जो सा करेक्टर मैंने भी आपको दिखाया, उन्होंने ये डिवेलप किया, और इनिशियल फेज ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग टैक्टिक्स, उन्होंने शुरू में क्या किया कि गुरिल्ला मार्केटिंग टैक्टिक्स। अब आपको मालूम है कि गुरिल्ला मार्केटिंग जो सी एक टर्मिनोलॉजी है, और ये हम ये यूज़ करते हैं जहाँ पर हम अनकन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एक तो है ना कि कन्वेंशनल है, आपने अखबार में इश्तहार दे दिया, आपने TVC चला दिया, लेकिन अनकन्वेंशनल मीन्स के जो आपकी नॉर्मल जो से आप वो यूज़ नहीं करते हैं, वो टेक्निक्स जो आप नॉर्मली यूज़ नहीं करते। तो इन्होंने भी क्या किया कि शुरू में जो है गुरिल्ला मार्केटिंग टैक्टिक्स के ज़रिए, जैसे इन्होंने एक करेक्टर डेवलप किया, ये करेक्टर घूमता फिर रहा है, या शॉप्स में भी है, वीडियोस में भी आ रहा है, TVC में भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है, पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया हुआ है। तो ये जो है उन्होंने एक ना गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ की, 2-part series of 3-minute शॉर्ट फिल्म ये इन्होंने डिवेलप की, एड्स ऑन लीडिंग जो TV चैनल से लाइक फॉक्स है, WB है, ESPN2 है, MTV है, VH1 है, और इन पर उन्होंने, अब ये जितने भी अगर आप चैनल देखें ये सारे वो चैनल्स हैं कि जो यंग जनरेशन जो है इनको प्रेफर करती है। अब उनके टारगेट मार्केट कौन थी, यंग लोग जो कि इस ब्रांड से थोड़े से मायूस हो चुके थे, उन्होंने उनको अट्रैक्ट करना था, और उसके लिए इन्होंने क्या किया कि वही चैनल चूज़ किए और इन्होंने एक कंपेन स्टार्ट की। अच्छा, अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि जी ये सारा कुछ जब उन्होंने किया, उनके चैलेंजेस ये थे, उन्होंने उसको कैसे एड्रेस किया, उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या आए। बडी ली हैज़ बिकम अ बोनाफाइड पॉप कल्चर आइकॉन, ये जो बडी ली है जिसकी अभी आपने उसकी शक्ल भी देखी है, वो जो करेक्टर उन्होंने डिवेलप किया था, वो अल्टीमेटली एक NM में पॉप कल्चर आइकॉन बन गया। अब पॉप कल्चर क्या है, अगेन यंग लोगों का कल्चर है, तो बड़ी ली ने भी अपने आप को जो पॉप कल्चर था उसके साथ उसने अपने आप को लिंक कर लिया, और बड़ी ली का जो करेक्टर जो उनसे है, इन अदर वर्ड्स यंग लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद क्या था, कूल टू वियर स्कोर मूव्ड फ्रॉम 26% to 35%। फिर उन्होंने एक और जो मैसेज उसमें यानी कि अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज़ कूल टू वियर, ठीक है, उन्होंने एक स्लोगन दिया। तो ये जो सा उनका जो मैसेज था ये इतना पॉपुलर हुआ कि इसकी जो परसेंटेज जो सी थी वो राइज कर गई फ्रॉम 26% to 35% इन टर्म ऑफ पॉपुलैरिटी। अगेन इट्स अ गुड साइन। उसके अलावा 3% मार्केट शेयर ग्रोथ, कि उनका जो मार्केट शेयर था वो 3% जो है वो बढ़ गया। तो ये जो है यानी कि बड़ी ली का जो करेक्टर है जिसको उन्होंने यूज़ किया फॉर द प्रमोशन ऑफ ली जीन्स, तो ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि किस तरह आप डिफरेंट टेक्निक्स जो सी है, जैसे इन्होंने भी ली जीन्स ने भी इसने वर्ड यूज़ किया, गुरिल्ला मार्केटिंग यूज़ की,
तो आप भी ये नहीं है कि ट्रेडिशनल, ऐसे भी हम इसमें ट्रेडिशनल मीडियाज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आजकल जो उनसे है, क्योंकि आपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, वो नहीं है कि जो रूटीन में है, आपको वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे, उनको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली यू आर एबल टू गेट द अटेंशन एंड नेचुरली यू आर एबल टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ योर ब्रांड। इसके बाद ये, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मीडिया प्लानिंग है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि मीडिया प्लानिंग होता क्या है। तो मीडिया प्लानिंग अ प्रोसेस फॉर डिटरमिनिंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मिक्स ऑफ मीडिया फॉर अचीविंग अ सेट ऑफ मीडिया ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, मीडिया प्लानिंग में आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने मीडिया को प्लान करना है। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने डिफरेंट मीडियाज़ को चूज़ करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, इंटरनेट मीडिया भी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आपको डिफरेंट चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया में आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इस तरह आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। अब आपने उसमें से वो चीज़ें चूज़ करनी है कि जो आपके ब्रांड के साथ मैच करती हैं, जो आपके टारगेट मार्केट को एड्रेस करती हैं, और ये सब कुछ आपने क्या करना है, आपने इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे, यानी कम से कम पैसे आपने खर्च करने हैं और मैक्सिमम इम्पैक्ट लेना है मीडिया का। यही बात उसने आगे जाके कही है कि जी गोल क्या है, मैक्सिमाइज इम्पैक्ट वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट। मीडिया प्लानिंग हम क्यों करते हैं, हमारा गोल क्या है, कि हमारा गोल ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना है और अपनी कॉस्ट जो सी है उसको कम से कम रखना है, थोड़े पैसों में ज़्यादा हमने इम्पैक्ट डिवेलप करना है। मीडिया इज़ ऑफन द लार्जेस्ट मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट आइटम। ये भी एक हकीकत है कि जब आप अपना बजट एलोकेट करते हैं मीडिया कम्युनिकेशन के लिए, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन जो है वो आपका होता है मीडिया का। मीडिया की कॉस्ट बहुत हाई है, उस पर आपके एक्सपेंसेस भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये जैसे आपके जहन में होना चाहिए कि आपने जब मीडिया प्लान करना है तो आपने बेसिकली क्या करना है, डिफरेंट मीडिया ऑप्शन में से आपने कुछ चूज़ करने हैं जो कि आपको सूट करते हैं, और जब आप उसकी सिलेक्शन करेंगे तो आपने ये आपके जहन में होना चाहिए कि इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए, कॉस्ट कम से कम आए। और उसकी रीज़न क्या है कि आपका जो मीडिया जो है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और आपकी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट जो सी है दैट इज़ फॉर द परचेज ऑफ मीडिया। सो अगर आप इसको टैक्टफुली डील कर लेते हैं तो इंशाल्लाह यू कैन बिकम अ गुड मैनेजर। अभी हम मीडिया मिक्स की बात कर रहे थे, अब ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मीडिया मिक्स का बखूबी अंदाज़ा हो। अभी हमने ये ली ब्रांड की बात की है, तो इनका ही यानी कि मीडिया मिक्स यानी आपके सामने आ रहा है कि अब इन्होंने क्या क्या किया। अब जैसे मैं आपको अगर क्या नाम है, ये आप अगर एरो को फॉलो करें तो ये देखें कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड से, कि इन्होंने वेब पर जो है यानी 150,000 US डॉलर उन्होंने खर्च किए, और उसमें उन्होंने क्या किया, आईकॉन बैनर्स ऑन अल्ट्रा कूल साइट्स, कि जो बड़ी कूल साइट्स हैं, क्योंकि जो यंग लोग पसंद करते हैं उनकी जो है रिक्वायर साइट्स जो सी हैं वेबसाइट्स, उसके ऊपर उन्होंने बैनर्स प्लेस किए। फिर उन्होंने क्या नाम है, अपनी प्रोडक्ट लाइन अप को उसमें किया। फिर उन्होंने डिफरेंट यानी कि प्रमोशन सपोर्टिंग पोजीशंस यानी वो यूज़ की। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने वेब को भी यूज़ किया, डिफरेंट वेबसाइट्स को फॉर देयर प्रमोशन। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, CD-ROM लॉन्च की, और उसकी कॉस्ट इतनी आ गई, ठीक है। और उसमें क्या आता है कि लीड जो उनको ब्रांड था उसके सारे प्रोडक्ट, उसकी कम्युनिकेशन और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो है कि CD की फॉर्म में के CDs उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। फिर उन्होंने क्या किया कि एक स्पेशल वेबसाइट डेवलप की बड़ी ली की, www.buddyli.com। जब उन्होंने करेक्टर डिवेलप किया तो उन्होंने उसी बड़ी ली के नाम पर एक सेपरेट वेबसाइट भी डिवेलप की। इन स्टोर जो हैं, इन स्टोर में वही आपके क्या नाम है, आइकॉन आइडिया आ गया, हैंग टैग्स आ गए, फ्लैशर्स आ गए, सिंपल क्लीन आइकॉन, पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल वगैरह जो हैं वो उन्होंने प्रिपेयर किया।
अब देखिए वेबसाइट्स आ गई, आपकी सीडी रोम्स आ गई, आपकी वेबसाइट यानी कि डेडिकेटेड वेबसाइट डेवलप कर दी, फिर इंस्टॉल हो गया, फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट टीवी में जो है उन्होंने नेशनल केबल, नेशनल नेटवर्क फॉक्स पे, फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया में उन्होंने यानी कि नेशनल इमेजेस एंड प्रोडक्ट स्प्रेड, उसमें म्यूज़िक, लाइफस्टाइल, फैशन और उस इससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड थी उसमें उन्होंने यानी कि एडवर्टाइज़ किया। फिर उसके बाद आईकॉन प्रोडक्ट प्लेसमेंट, और यहाँ बडीली अपीयर्स इन ऑडियंस एट लेट नाइट प्रोग्राम्स, बडीली अटेंड सेलेक्ट म्यूजिक स्पोर्टिंग इवेंट्स। और जो बडीली का उन्होंने करेक्टर डेवलप किया, वो अचानक किसी रात को कोई प्रोग्राम अगर आ रहा था तो उसमें वो आ जाता था। फिर बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स या म्यूजिकल इवेंट्स हो रहे थे उसमें उसकी वो प्रेजेंस होती थी, तो पीपल आर एबल टू नो कि दिस इज़ बडीली और उसका रोल क्या है। फिर उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जी पब्लिक रिलेशन की दी बडीली स्टोरी मीडिया इवेंट इन न्यूयॉर्क सिटी, उन्होंने बडीली की एक स्टोरी डेवलप की। नेचुरली जब आप एक करेक्टर डेवलप करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड एक स्टोरी भी डेवलप करनी पड़ती है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं कि जी एड, मार्केटिंग, ट्रेड मीडिया, कस्टम मीडिया किट इस तरह। इसके अलावा इन्होंने कोऑपरेटिव में भी जो है रखा हुआ था, कुछ रेडियो स्क्रिप्ट्स भी किए, टैगेबल टीवी जो है उस पर इन्होंने किया। तो ये कहने का मकसद ये है कि अगर आप जो है ली जीन्स का ही मीडिया मिक्स देख लें, अब आप ये देखें कि उन्होंने कम अज़ कम जो है कोई 9 डिफरेंट मीडियाज यूज़ किए। कहने का मकसद ये है कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अब 9 तो मीडियाज़ की बात कर रहे हैं, आगे हर मीडिया के अंदर उन्होंने जो डिफरेंट उन्होंने आगे सिलेक्शंस किए होंगे वो इसके अलावा है, जैसे ब्रॉडकास्ट टीवी है उसके अंदर पता नहीं कितने टीवी चैनल्स में उन्होंने किया होगा। अब आइकॉन प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो उनसे है, पता नहीं वो बड़ी लीग कितने प्रोग्राम में अपीयर होगा, कितने स्पोर्ट्स के इवेंट में, म्यूजिकल प्रोग्राम्स में उसने पार्टिसिपेट किया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि मीडिया मिक्स, अगेन इट्स नॉट एन ईजी टास्क एंड इट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंसिड्रेशन। और अगर आप अपने मीडिया मिक्स को बहुत अच्छा बैलेंस तैयार कर लेते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। अब हम जो है दी बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स से मुराद ये है कि हाउ यू विल स्टार्ट मेकिंग योर मीडिया प्लान। The first step is media research, कि आप क्या नाम है कोई भी प्लान करने से पहले अपनी मीडिया की रिसर्च करेंगे, और उसमें आपने क्या करना है कि आपने एनालाइजिंग टारगेट ऑडियंसिस एंड मीडिया ऑप्शन, आप ये देखेंगे कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या हैं और उनको एड्रेस करने के लिए, उनको अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए आपको कौन से मीडियाज़ यूज़ करने हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने बताया अभी लास्ट स्लाइड में, मैंने डिस्कस भी किया कि मीडिया में अब आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो उस वैरायटी में से ये है कि आप कौन कौन से मीडियाज़ को यूज़ करेंगे टू सेंड योर मैसेज टू योर टारगेट मार्केट। उसके बाद सेकेंड जो है, जब आप मीडिया रिसर्च कर लेंगे फिर आपका मीडिया प्लानिंग है, प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग अ गुड मीडिया प्लान। आपने मीडिया रिसर्च की, उसके बाद आपने सर्टन मीडियाज़ को चूज़ कर लिया, अब उस मीडिया के कौन से पार्ट को आप यूज़ करेंगे, कितना यूज़ करेंगे, उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो सी हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ द मीडिया प्लानिंग। सपोज आपने डिसाइड किया कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं तो कौन से चैनल्स पर आप जाना चाहते हैं, अगर सपोज़ आपने 2 या 3 चैनल्स चूज़ कर लिए हैं तो उसमें से कौन से प्रोग्राम के साथ आप लिंक करना चाह रहे हैं, किस टाइम पर आपके ऐड आएंगे, आपकी क्या नाम है ऐड एक दिन में कितने ऐड रिलीज़ होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं मीडिया प्लानिंग है, और लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल। अच्छा, उसके अलावा मीडिया बाइंग, जब आप क्या नाम है अपने मीडिया प्लान कर लेंगे तो नेक्स्ट टास्क जो सी है आपने मीडिया को परचेज करना है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ कर लिया और मीडिया जो है आपको उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है, अगेन इट्स यूजलेस। सो आपका मीडिया जो ही आपने उसको फाइनलाइज करते हैं, प्लान करते हैं, नेक्स्ट टास्क इज़ टू मूव ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए मीडिया प्लान। और उसके लिए क्या है कि आप अपने मीडिया पे अपनी जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन जो है उसको आप बुक करवा के रिज़र्व करवा लेते हैं। तो ये जो है ना, ये बेसिक्स है, अगर आप क्या नाम है मीडिया या मीडिया प्लानिंग से आप अगर उससे इन्वॉल्व हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी
मीडिया प्लानिंग स्टेप्स। मीडिया प्लानिंग स्टेप्स में जो पहला स्टेप है दैट इज मीडिया टारगेटिंग। अब मीडिया टारगेटिंग में क्या है कि आपने जोन सा भी मीडिया उसको यानी कि चूज कर रहे हैं वो कैसे क्या नाम है आपके टारगेट मार्केट को एड्रेस करेगा। अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है क्योंकि अब हम मीडिया की बात कर रहे हैं, आपको मालूम ही है कि इवन पाकिस्तान में भी अब जो सिगरेट के जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो इतने आराम से नहीं एडवर्टाइज हो सकते, उन पर रिस्ट्रिक्शन रहने के लिए लेट से कि रात 10 बजे से पहले आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, फिर उसमें ये है, फिर ये उसमें इशूज़ हैं, फिर आपको उसमें वार्निंग देनी पड़ती है, फिर आप उन चैनल्स पर नहीं दे सकते जो कि बच्चों के चैनल्स हैं। इस तरह ये है कि जो शॉपकीपर्स हैं वो अंडर 18 को जो है सिगरेट नहीं बेच सकते, ये मैं बात कर रहा हूँ कानून की जो कि पाकिस्तान में भी अब एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर जो है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मीडिया की, तो यहाँ पर ये है कि अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी मीडिया जो सिलेक्शन जो है वो कम कर दिए, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्शन लगेंगे कि आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते तो नेचुरली क्या नाम है कंपनीज क्या करेंगी, दे विल नॉट एडवर्टाइज़। तो उसने यही कहा है कि डू यू थिंक ऑल सिगरेट एडवर्टाइजिंग शुड बी पुल्ड फ्रॉम मैगजीन्स लाइक ग्लैमर, पीपल, न्यूज़वीक एंड रोलिंग स्टोन्स। अब हुआ क्या है कि जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट जो मेजर पोर्शन था वो इन मैगजीन से रिमूव कर दिया। अब नेचुरली ये जो इतने मीडिया हैं इनकी सर्वाइवल होती है एडवर्टाइजमेंट पर, और एक हकीकत है कि आपकी जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दे आर द पार्ट ऑफ द हैवी एडवर्टाइजिंग कंपनीज। अब ये जो मैगजीन्स हैं एक लिहाज से तो अच्छी बात है, क्या नाम है सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिगरेट जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ये मैगजीन है अब इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा कि जी हमारे जो है अगर रीडरशिप आप देखें उसमें से किसी ने कहा जी हमारे जो 10% जो हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जो चिल्ड्रन है, किसी ने कहा जी हमारे 11% हैं, बाकी तो जो से हमारे वो मेच्योर लोग हैं, तो हमें जो से आप उस लिस्ट से क्यों निकाल रहे हैं। तो वो यही है कि देयर इज़ अ डिबेट इज़ देयर कि जी जैसे शुरू से ये बहुत सारी डिबेट्स चल रही होती हैं, इस तरह ही जो सिगरेट कंपनीज हैं वो कहती हैं कि जी हमें राइट मिलना चाहिए कि हम एडवर्टाइज़ करें, मीडिया को भी ये है कि जी उनको बिज़नेस चाहिए होता है वो कहते हैं कि जी इसका भी कुछ होना चाहिए, ठीक है अगर आप चाहते हैं बच्चे सिगरेट ना पिए या वो इनक्रेज नहीं हो तो आप उनको नहीं करें, लेकिन जो क्या नाम है मेच्योर लोगों के हैं जो कि उनके टारगेट मार्केट बनती है तो उन पर पाबंदी लगाने का या वहाँ एडवर्टाइज़ ना करने की क्या वजह है। तो यही आपसे यानी कि एक थिंक अबाउट इट है कि इस दोनों में कौन सही है। नेचुरली हम तो यही कहेंगे क्योंकि सिगरेट जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो इसकी प्रमोशंस भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरी तरफ जो लोग सफ़र कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन प्रमोशन ऑफ द सिगरेट वो कहते हैं कि जी फिर हमारा जो रेवेन्यू कम हो रहा है हम अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करें। तो इसलिए मैंने ये बीच में एक स्लाइड इसमें डाली ताकि आपको आइडिया हो कि क्या जो मीडिया टारगेटिंग है, वैसे तो आपको मालूम है कि मीडिया टारगेटिंग से क्या मुराद है, लेकिन मीडिया टारगेटिंग में फिर एक ये भी चीज़ है कि जी वो कह रहे हैं कि जी अगर हम उस टारगेट मार्केट को नहीं एड्रेस कर रहे तो फिर हमें ऐड क्यों नहीं मिल रहे। दूसरा ये एक डमी मीडिया ऑब्जेक्टिव। नेचुरली जब आप कोई भी मीडिया प्लान करेंगे आपने अपने टारगेट मार्केट को डिफ़ाइन कर लिया, आपने उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव। सपोज अगर आप मैगजीन में एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो आपका रीज़न क्या है, अगर आप क्या नाम है न्यूज़पेपर में जा रहे हैं और आप फुल पेज कलर ऐड दे रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसी तरह अगर आप टीवीसी में हैं और क्या नाम है टेलीविज़न कमर्शियल और आप डिफरेंट चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिटरमिनिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें ये है कि कुछ मैं टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब आप अपने मीडिया ऑब्जेक्टिव को डिटरमिन करेंगे तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखिए ना ऑब्जेक्टिव तो आप वैसे ही तो नहीं आप उसके क्या नाम है डेवलप कर देंगे अनटिल अनलेस आपको कुछ सर्टन इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो जो आपको एज ए मैनेजर आपको हेल्प करें।
उसमें जब भी आप कोई भी अपना मीडिया चूज करते हैं या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, उसमें से एक चीज जो है जिसको हम कहते हैं रीच। अब रीच क्या है? द परसेंटेज ऑफ एन ऑडियंस दैट हैज हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी एक्सपोज टू अ मीडिया व्हीकल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्या है कि जब कोई भी मीडिया एक एड को रिलीज करता है तो ये देखना होता है कि ये एड कितने लोगों तक पहुंचेगा। जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि जो टेलीविजन है उसकी रीच ज़्यादा है, यानी कि एक एड जब रिलीज़ होता है तो उसको मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं। उसके मुकाबले में न्यूज़पेपर है, उसकी जितनी सर्कुलेशन होगी उतनी उसकी रीच होगी, मैगज़ीन है उनकी रीच उससे भी कम होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई भी मीडिया चूज़ करें, आप ये ज़रूर देखें कि उस मीडिया की रीच कितनी है, कि कितने लोगों तक मैक्सिमम आपका मैसेज पहुंच सकता है। और जो आइडियल गोल इसमें है, जैसे इसमें नीचे लिखा हुआ है कि 100% रीच। जब कोई भी हम मीडिया चूज़ करते हैं, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम 100% रीच जो है उसको अटेन करें, अचीव करें। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि आप 100% रीच को कभी भी अटेन नहीं कर सकते। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने एक ये आपके साथ एक स्लाइड शेयर करता हूँ। इसमें मैंने कोशिश की है कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अब देखें, इसमें जो है आपके वाई एक्सिस पे आपकी रीच आ रही है, एक्स एक्सिस पे जो है आपके नंबर ऑफ एक्सपोजर्स आ रहे हैं। अब देखें, आपने यहाँ पर जब अपने नंबर ऑफ एक्सपोजर को इंक्रीज़ किया, आपकी रीच बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, ये जो आपके जो ये ग्राफ जा रहा है, ये देखें बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद क्या है कि अगर आप अपने नंबर ऑफ एक्सपोजर्स मीन्स कि आप अगेन एंड अगेन ऐड दे रहे हैं, तो अब आपके नंबर ऑफ एक्सपोजर बढ़ गए हैं, लेकिन आपकी जो रीच जो सी है वो वहाँ से उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही, बल्कि तकरीबन ना बढ़ने के बराबर है। अब हो क्या रहा है कि जब आप नंबर ऑफ एक्सपोजर्स आप अपने इंक्रीज करते हैं, ये चीज़ जो हमने एक्स एक्सिस पे शो की हुई है, जब आप नंबर ऑफ एक्सपोजर अपने इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। देखिए ना, एक ऐड आप दे रहे हैं, दो दफ़ा देंगे उसके डबल, अगर आप उसको 10 दफ़ा देंगे उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा हो जाएगी, 12 दफ़ा देंगे उतनी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। अब हो क्या रहा है कि आपकी जो कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी जो रीच जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी कॉस्ट और रीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और आपने एज ए मैनेजर ये देखना होता है कि आपकी जो क्या नाम है, कितने नंबर ऑफ एक्सपोजर से आपको मैक्सिमम रीच मिल रही है। ठीक है, अब देखिए, आपने सपोज यहाँ पे देखें या 7 पे देखें, 6 7 पे देखें, आप यहाँ तक तो चलें ठीक है, लेकिन इससे ऊपर जब आप जा रहे हैं तो आपको इतनी रीच नहीं मिल रही जितनी कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो नेचुरली आप एक डिसीजन लेंगे कि जी यहाँ तक तो ठीक है, इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो इट्स यूजलेस, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर बजट्स और वी आर इंक्रीजिंग आवर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एक्सपोजर एंड रीच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भी एज ए मैनेजर जब आपने लेना है, तो ये नहीं है कि जी दिन में 50 ऐड चला दें जी, जैसे बहुत सारी कंपनीज के आते हैं कि जी हर 2 मिनट के बाद ऐड आ रहा है, हर 2 मिनट के बाद ऐड आ रहा है। तो एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि आप कितने नंबर ऑफ एक्सपोजर देंगे टू कवर द मैक्सिमम पॉसिबल पीपल, जिसको हम कहते हैं रीच। अगर आप क्या नाम है उससे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और आपको वो रीच नहीं आपको वो मिल रही, तो इट्स यूजलेस। इसके बाद एक कोर टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स दोज हु आर रीच्ड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी एक्सपोज टू अ ब्रांड मैसेज विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब ये इन सिंपल वर्ड क्या है कि जितने भी दफ़ा आप अपना एड रिलीज करते हैं या अपना टीवीसी जो सा आपका ऑन एयर आता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे एक दिन में अगर आपकी 10 दफ़ा ऐड आ रहा है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो सी है वो 10 है।
तो वही उसने कहा दी एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स दोज हु आर रीच्ड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी एक्सपोज टू अ ब्रांड मैसेज विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब उसने यहाँ पर कहा कि फ्रीक्वेंसी टू बी इफेक्टिव 3 to 10 एक्सपोजर्स, ये उसकी एक अपनी यानी कि जजमेंट है जो पिछले ग्राफ से भी हमें पता चल रही है कि अगर आप 3 से 10 एक्सपोजर्स देते हैं तो इट्स गुड इनफ, 3 से कम देते हैं तब भी आपको आपकी डिज़ायर रीच नहीं मिलती, और अगर आप 10 से ऊपर चले जाते हैं तो वो भी आपकी जस्ट वेस्टेज ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट है, या आप अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन आपको वो एडवांटेज नहीं मिल रहा। लेकिन एक और भी यानी कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए उसने आगे लिख दिया कि वेरीज वाइडली बाई ब्रांड, कि ये ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है, बाज़ ब्रांड्स के लिए आपको एक्सपोजर ज़्यादा देने पड़ते हैं और बाज़ ब्रांड्स के लिए आपको इतने ज़्यादा एक्सपोजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये देखें एक और यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी यानी ग्राफ है। अब इसमें क्या है कि देखें आपके यहाँ पर वाई एक्सिस पे आ रहे हैं परसेंटेज रिस्पॉन्डिंग, और एक्स एक्सिस पे आपके आ रहे हैं मीडिया फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू रिस्पांस कर्व्स। अब आपने क्या है कि आपने दो इन्हीं के कंपेन चलाएं। अब ये जो सी है एक कर्व में अगर आप देखें आपके क्या नाम है यानी कि लेट्स से कि अगर हम ये कहें जी 12.5 पे आपकी जो ये आपकी रिस्पॉन्ड आपकी आ रहा है, इतने लोग जो से आपको वो करने दैट इज़ मोर देन 50%। दूसरे में क्या है कि आपने जो से मीडिया फ्रीक्वेंसी आपकी जो सी वो ऑलमोस्ट 14 है, लेकिन आपके क्या नाम है परसेंटेज रिस्पॉन्डिंग जो सी है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कोई 40% के करीब है या थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी। तो अब देखें यहीं से इस कर्व से पता चल रहा है कि जो दी ए कर्व इज़ मोर डिज़ायरेबल बिकॉज इट्स इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन बी, कि यहाँ पर देखें कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है आप कम के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं। कि ये देखें आपकी मैक्सिमम जो है 12.5 और यहाँ पर आप तकरीबन 14 पे हैं, और इसके बावजूद जो है आपके जो परसेंटेज रिस्पॉन्डिंग है वो कम है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी करें फ्रॉम द मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसका कंपैरिजन ज़रूर करना है कि अगर हम ये करें तो हम इतना बजट अगर हम स्पेंड कर रहे हैं हम कितने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, और उस मैसेज को पहुंचाने के लिए हमें कितनी दफ़ा अपना एड रिलीज़ करने हैं, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट हम कितने हमें रीच क्या अवेलेबल हो रही है, और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारा मीडिया प्लान है इट्स मोर इफेक्टिव। एक और भी है, अब आपने अगर बीइंग अ मैनेजर ये देखना हो कि कौन सा मीडिया प्लान जो है वो मोर इफेक्टिव है, आपके सामने डिफरेंट मीडिया प्लान प्रेजेंट किए जाते हैं, और अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनमें से जो सबसे बेस्ट मीडिया प्लान है उसको आप चूज़ करें। बेस्ट मीडिया प्लान कौन सा होता है, वो कि जहाँ पर आपको आपकी कॉस्ट कम से कम आ रही है और आपका जो इम्पैक्ट है वो हाई से हायर हो। तो उसके लिए ये है कि हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स GRPs। अगेन बहुत सिंपल सी चीज़ है ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स, द कंबाइंड मेजर्स ऑफ रीच एंड फ्रीक्वेंसी इंडिकेटिंग द वेट ऑफ ए मीडिया प्लान। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें रीच और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। जिस मीडिया प्लान का ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स हायर होता है वो उतना ही अच्छा मीडिया प्लान होता है। देखिए ये कोई ये नहीं है कि जी आपके सामने मीडिया प्लान्स आए अब आप कहेंगे जी मेरा ख्याल है ये अच्छा है, मेरा ख्याल है ये मीडिया प्लान अच्छा है। आपके पास कोई यार्ड स्टिक होनी चाहिए, आपके पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिस पे कि आप उसको मेजर करें, आप उसको एवेल्युएट कर सकें। ये कोई किसी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं है या कोई चॉइस नहीं है। तो उसके लिए डिफरेंट यानी कि टेक्निक्स हैं जिसमें से एक ये भी है कि आप उसकी GRPs चेक करें। और GRPs क्या है कि दी मोर GRPs दी मोर वेट अ प्लान हैज़।
जितनी जीआरपीज आपकी हाई होगी उतना ही वो मीडिया प्लान जो उनसे है वो इफेक्टिव है। आए आपसे मिनी के शेयर करते हैं कि आपने अगर जीआरपीज को मेजर करना हो तो कैसे है। द सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीआरपी इज ग्रॉस ट्रेडिंग पॉइंट इज इक्वल टू रीच मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि लेट्स से कि प्रिंट एग्जांपल में क्या है। आपकी जो सी रीच है बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन ली है कि आपकी रीच जो सी है 50 है और आप 5 इंसर्शन दे रहे हैं तो आपकी जीआरपीज कितनी होगी 250। अब ये एक मीडिया प्लान है जिसमें आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि जी इस मीडिया प्लान की रीच जो सी 50 है और हम इसमें 5 इंसर्शन दे रहे हैं और हमारी जो जीआरपीज हो जाएगी वो 250 हो जाएगी। उसके मुकाबले में एक और जो सा है क्या नाम है ब्रॉडकास्ट मीडिया है, उसमें क्या है अब ये 6 रेटिंग है। अब रेटिंग क्या होती है, ये किसी भी चैनल या प्रोग्राम की जो सी उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी व्यूवरशिप और उसको बना उसको नहीं उसे कम्बिनेशन के साथ एक रेटिंग दे दी जाती है। और ये डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो इन इसके साथ इन डेटा कलेक्ट कर रही होती है और फिर वो उसके बाद हर प्रोग्राम को या चैनल्स को एक रेटिंग देती हैं और वो उस इंडस्ट्री की एक ऑथेंटिक यानी कि वैल्यू होती है। अब यहाँ पे भी सपोज एक प्रोग्राम है या एक चैनल है उसकी जो रेटिंग जो सी दैट इज 6। अगेन आपकी जो क्या नाम है फ्रीक्वेंसी है कि आप क्या नाम है डीवीसी जो है वो 5 टाइम रिलीज करेंगे लेट्स से इन अ डे, तो यहाँ पर आपकी जो जीआरपी जो सी है वो बन गई आपकी 30। इसी तरह कोई और प्लान भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, प्रिंट को प्रिंट के साथ आपने कंपैरिजन करके देखना है, ब्रॉडकास्ट को उसके साथ कंपैरिजन करके देखना है, फिर आपने देखना है कि जी कौन सा मीडिया प्लान है उसकी कितनी जीआरपीज हैं और जिसकी जीआरपी ज़्यादा होंगी वो उतना ही अच्छा यानी के प्लान है फ्रॉम द मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू। अब टोटल नंबर ऑफ जीआरपी डिलीवर्ड बाई नेशनल टीवी मीडिया प्लान, अब यहाँ पर वही है जैसे डिफरेंट है। अब ये CBS इवनिंग न्यूज़ है, इसकी जो सी है प्रोग्राम रेटिंग 6 है, फ्रीक्वेंसी 5 है तो 30 हो गया। उसके मुकाबले में फ्रेंड्स है वेरी पॉपुलर इंग्लिश प्रोग्राम, ठीक है, उसमें क्या है कि आपकी प्रोग्राम रेटिंग जो सी 10 है। अब उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। अब देखिए आप इसमें अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप इसमें 4 भी रखती हैं कि यहाँ पे आप 5 दे रहे हैं आपकी 30 बन रही है, लेकिन क्योंकि इसकी प्रोग्राम रेटिंग जो है बहुत हाई है और इसकी जीआरपीज जो सी 40 बन गई। उसके मुकाबले में एक और प्रोग्राम है लॉ एंड ऑर्डर, इसकी जो सी 15 है और अगर आप इसको सिर्फ 6 फ्रीक्वेंसी भी करते हैं तो 90 बन जाती है। मंडे नाइट फुटबॉल जो आपके मैचेस आ रहे हैं या कोई और प्रोग्राम है स्पोर्ट्स रिलेटेड उसमें आपकी प्रोग्राम रेटिंग जो सी 12 है और आप फ्रीक्वेंसी अगर 3 है तो 36। अब आपको यहाँ से बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपने कौन से चैनल पर या कौन से प्रोग्राम को आपने चूज़ करना है। अदरवाइज हो सकता है आप कहेंगे जी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है या क्या नाम है CBS न्यूज़ बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आप प्रोग्राम रेटिंग और साथ फ्रीक्वेंसी को चेंज करके आप जीआरपी जो सी अपने डिज़ायर अचीव कर सकते हैं। नेचुरली ये जो से इसकी अपनी एक कॉस्ट है, तो यहाँ पर आपने एक कम्बिनेशन डेवलप करना होता है प्रोग्राम रेटिंग और फ्रीक्वेंसी में और उसके बाद आप उसकी जीआरपी देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इसकी 10 है तो यहाँ पर सिर्फ 4 के साथ आपको 40 मिल रही है, यहाँ पर 5 फ्रीक्वेंसी के बावजूद भी आपकी जीआरपी जो सी है 30 है। सो एज़ कम्पेयर टू CBS इवनिंग न्यूज़ फ्रेंड्स की जो सी जीआरपी या मीडिया प्लान जो है वो बेटर है। अच्छा मीडिया प्लानिंग में जो थर्ड स्टेप है डिटर्मिंग मीडिया स्ट्रेटजीज। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आपको मालूम ही है कि हमारे पास मीडिया स्ट्रेटजीज में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपने अगेन जो रूल है बहुत सारे मीडियाज हैं, आपने उसमें से वो मीडिया चूज करना है पहली बात जो आपके टारगेट मार्केट से मैच करता हो। सेकंड आपने वो मीडिया यूज़ करना है जिसकी क्या नाम है यानी कि पॉपुलैरिटी कह लें, उसका स्कोर कह लें या उसकी रीच कह लें या ओवरऑल उसकी जीआरपी जो सी है वो ज़्यादा बन रही हो। फिर
फिर उसके अलावा आपने एक और चीज़ देनी होती है कि क्या नाम है, ये सारा कुछ जो आप चूज़ कर रहे हैं ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। कम से कम पैसों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। फिर उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि ये जितने भी आप जो मीडिया यानी कि सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जिस टाइम पर आपको वो मीडिया यूज़ करना है उस टाइम पर वो मीडिया इजीली अवेलेबल हो। तो आए देखते हैं इसमें क्या नाम में क्या है। अब देखें ये जो से एक और ग्राफ आपके सामने आ रहे हैं, सम प्रोडक्ट्स विल रिक्वायर मोर इंटरेक्टिव मीडिया टू गेन इम्पैक्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये क्या है, रिलेटिव इम्पैक्ट बाय मीडिया टाइप, और यहाँ पर इम्पैक्ट है और यहाँ पर डिग्री ऑफ इंटरेक्टिविटी है। अब आप ये देखें ये लो है, ये हाई है, ये लो है और ये हाई है। अब जो ये जो ग्राफ है इसमें क्या वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप जितना भी ज़्यादा इंटरेक्टिव मीडिया यूज़ करेंगे उसका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा है। जैसे उसने कहा कि टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन, आउटडोर ये इतने इंटरेक्टिव नहीं है, उनका इम्पैक्ट भी यहीं तक है। उसके बाद ईमेल है, ज़ाहिर बात है आप ईमेल भेजते हैं उसका आपको रिस्पांस आता है, उसका इम्पैक्ट उससे ज़्यादा है। फिर आप जो डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फ़ोन, मेल, इनका इम्पैक्ट जो है इन दोनों से ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो इम्पैक्ट है दैट इज़ पर्सनल सेल्स के, जहाँ पर आपका एक सेल्स पर्सन फेस टू फेस जो है वो क्लाइंट के पास जाता है, तो जाहिर बात है कि उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा है। तो यही जो आपसे यहाँ पर जो चीज़ करने के शेयर करने हैं वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कितना इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अगर आप चाहते हैं कि जी आप क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव जो है मीडिया को यूज़ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है, जैसे नॉर्मली पर्सनल सेल जो से हम वहाँ पर यूज़ करते हैं वैसे हम इसको क्या नाम है किस स्टेज पर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट बहुत हाई टेक होती है, कंज्यूमर जो है उसको यानी कि डिफ़िकल्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करना, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हो सकती हैं, आपकी कोई भी सॉफ्टवेयर है, या आपकी कोई बहुत एक्सपेंसिव हाई टेक प्रोडक्ट है, कोई केमिकल कंपोजिशन है। अब होता क्या है कि ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ तक कोई बंदा जाके उनको एक्सप्लेन नहीं करे, उसके मुतालिक ब्रीफिंग ना दे पूरा, यानी कि उसकी डिटेल ना बताएं, क्लाइंट को कन्विंस नहीं करें, उसके जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अगर एड्रेस ना करें तो हो सकता है कि वो चीज़ जो सी है वो बिक ना सके। इनसाइड मीडिया मिक्स हैबिट्स। नाउ आई विल शेयर अनदर इंफॉर्मेशन विद यू। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ वन और टू मीडिया सिंपली आउट ऑफ ट्रेडिशन। दिस हैपन मोस्ट ऑफन with the use of magazine and TV. These medias are often seen as the most glamorous of the various marketing communication tools. Most marketers prefer to identify themselves with a TV or magazine advertising campaign rather than with a direct marketing campaign. अब उसने एक और यानी कि डिस्कशन स्टार्ट की है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो मीडिया मिक्स हैबिट है कि जब मैनेजर्स जो हैं या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मीडिया की सिलेक्शन पर जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि नॉर्मली उनकी कोशिश होती है कि यार कोई एक टीवी चैनल ले लें और साथ कोई एक आध न्यूज़पेपर ले लें। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी एक ज़माने तक यही होता था कि जी ठीक है यार टेलीविज़न कमर्शल जो है वो रिलीज़ कर दें और साथ ही किसी एक या दो न्यूज़पेपर में ऐड दे दें, और फ्रॉम द मीडिया साइड जी कहा जाता था कि जी इट्स इनफ। लेकिन अब जो उनसे अब हालात वो नहीं रहे, बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, तो यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि कुछ जो से ट्रेडिशनल जो कंपनीज जो सी हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो सी हैं वो स्टिल जो उनसे वो यही कहती हैं कि जी जो पॉपुलर मैगजीन्स हैं पॉपुलर चैनल हैं बस उस पर ऐड दे दें
और वो क्या नाम है, डिफरेंट जो डायरेक्ट मार्केटिंग के कम है वेज, उनको यूज़ नहीं करती, या ऑल्टरनेटिव जो से ऑप्शंस हैं उन पर नहीं जाती। तो अगेन जो है देखें, ये सारी चीज़ें जो सी है ना, मीडिया सिलेक्शन, ये डिपेंड करती हैं आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर, आपके मैनेजर्स पर, कि वो कितने यानी कि वेल अवेयर हैं, कितने यानी कि वो बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसमें वाकई इसमें यानी कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि जी ओल्ड ट्रेडिशन जो सी थी वो यही थी कि जी आप कोई एक टीवी चैनल सेलेक्ट कर लें और उसके साथ कोई प्रिंट मीडिया ले लें या कोई मैगजीन यूज़ कर लें, इट्स इनफ, हमने प्रोडक्ट को प्रमोट ही करना है। लेकिन आजकल मैनेजर्स दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन सेलेक्टिंग चूजिंग द मीडियाज। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ आपसे शेयर करनी, दैट इज़ डिटर्मिनिंग मीडिया कॉस्ट। अगेन हमने ये कहा है कि जी जब आप कोई भी मीडिया चूज़ करें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, और दूसरी बात हम जब भी करते हैं वो ये है कि जी आपकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। लेकिन ये है कि आप उस कॉस्ट को मेजर कैसे करेंगे। अब उस कॉस्ट को मेजर करने के लिए किसी भी मीडिया की जो कॉस्ट है उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं CPM, कॉस्ट पर थाउजेंड। इसके आगे क्या नाम एक्सप्लेनेशन है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी CPM की बात की थी, लेकिन आज इस पे मैंने एक पूरी स्लाइड भी तैयार की हुई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये CPM यानी कि जो M जो सा है इसका थाउजेंड्स के साथ क्या लिंक है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी है कि पहले आप ये समझ लें कि कॉस्ट पर थाउजेंड होती क्या है। व्हाट अ कम्युनिकेशन व्हीकल चार्जेस टू डिलीवर अ मैसेज टू 1000 मेंबर्स ऑफ इट्स ऑडियंस, यूज कॉमनली फॉर प्रिंट मीडिया। CPM जो सा है वो ये है कि अगर आपका मैसेज जो सा है 1000 लोगों तक पहुंचे तो उसकी कॉस्ट क्या है, जो कि इससे भी क्लियर है कॉस्ट पर थाउजेंड। और ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, नॉर्मली ये हम यूज़ करते हैं प्रिंट मीडिया में। अब इसका क्या नाम है, जो एक फार्मूला है CPM का, बहुत चॉइस यानी कि सिंपल और इजी फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ एड यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय सर्कुलेशन और ऑडियंस, इट विल बिकम CPM। यानी आपकी एड की कॉस्ट क्या आ रही है, उसके बाद आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप 1000 पे उसकी कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है आपके उसको आप डिवाइड करेंगे कि आपकी जो सर्कुलेशंस है और आपकी ऑडियंस कितने हैं, और उसके बाद जो फिगर आपके सामने आएगी उसको हम कहते हैं कॉस्ट पर थाउजेंड। आए मैंने आपके लिए एक कैलकुलेशन भी की है ताकि आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाए कि CPM होता क्या है। और इसमें एक और भी चीज़ है कि बाज़ अवक़ात जो है स्पेशली इस एग्जांपल में आप नोट करेंगे कि बाज़ अवक़ात जो है इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत हायर नज़र आ रही होती है, लेकिन जब आप उसकी कॉस्ट पर थाउजेंड देखेंगे तो वो हो सकता है कि वो कम हो। जैसे ये दो मैगजीन्स हैं, एक मैगजीन ए है और एक मैगजीन बी है। अगर आप इन मैगजीन्स में सेम साइज का एड, सेम लोकेशन, सेम तरह का एड अगर आप देते हैं, मैगजीन ए में उसकी कॉस्ट है लेट्स से ₹20,000 और मैगजीन बी में उसकी कॉस्ट है ₹30,000 पर इंसर्शन, यानी कि एक दफ़ा अगर आप उसको देते हैं उसकी कॉस्ट है। अब सर्कुलेशन कितनी है कि जो मैगजीन ए है उसकी सर्कुलेशन है 800,000, मैगजीन बी की जो सर्कुलेशन है वो है 1500,000, यानी कि सर्कुलेशन से मीन कि वो 8 लाख कॉपीज प्रिंट करते हैं, वो 15 लाख कॉपीज प्रिंट करते हैं। अब हम जब अपना वही फार्मूला यूज़ करेंगे, देखिए हमने कॉस्ट उसकी पहले लिखी है कि 20,000 उसकी कॉस्ट है, 1000 लोगों तक हम देखना चाह रहे हैं कि जी उसके हमारा अगर मैसेज आएगा तो क्या कॉस्ट आएगी, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं जी 800,000 के साथ, तो हमारे पास जो इसकी CPM आ गई ₹25 मैगजीन ए की। ₹25 से मुराद ये है कि आपने अगर अपना मैसेज मैगजीन ए में अगर आप 1000 लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसकी कॉस्ट आएगी ₹25। मैगजीन बी जो है
उसमें क्या है कि वही उसकी जो कॉस्ट ऑफ फुल पेज एडवर्टाइजमेंट है वो 30,000 है। अगेन हम 1,000 का मेजर करना चाह रहे हैं, उसे 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी जो सर्कुलेशन है उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1.5 मिलियन। तो यहाँ पर जो सी उसकी जो कॉस्ट पर मिलियन जो है CPM जो है वो ₹20 आएगी। अब देखें, अगर आप बीइंग अ मैनेजर अगर आप इस पे डिसीजन ले रहे हैं कि आपने कहा यार वो देखो वो 20,000 का ऐड दे रहे हैं, ये जो है 30,000 का ऐड दे रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है और ये, तो आपने एक मिस्टेक कर ली। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कभी भी सिर्फ कॉस्ट के ऊपर जाकर डिसीजन नहीं लेते। देखिए इसकी क्या आ रही है, ₹25 आ रही है, इसकी जो सी कॉस्ट पर 1,000 जो है वो ₹20 है। तो अगेन क्या नाम है, जो प्रोफेशनल्स हैं, गुड मैनेजर्स जो उनसे हैं, दोज हु हैव इनफ इंफॉर्मेशन, वो क्या करते हैं कि वो पूरे प्रोसेस से गुजर के फाइनली ये देखते हैं कि जी CPM जो उनसे है वो किसकी लो है। अब एक प्रोफेशनल मैनेजर जो उनसे है वो मैगजीन बी को प्रेफर करेगा ओवर मैगजीन ए के। अगेन वही जो मैं बात कर रहा था, टेल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, CPM की हम बात कर रहे थे। इस टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी है CPM, इस स्लाइड में मैं उसको आपको सामने एक्सप्लेन करूंगा कि ये बेसिकली क्या है। टेल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, इससे पहले मैंने एक दफ़ा आपसे पहले भी जिक्र किया है कि जी ये जो टर्म है CPM, कॉस्ट पर 1,000, ये यानी कि क्या वजह है कि हम वर्ड एम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम कहते हैं जी 1,000। तो द टर्म CPM इज़ ऑफन कन्फ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स, अनलेस यू टुक लैटिन इन हाई स्कूल यू वुड नॉट गेस दैट CPM स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर 1,000। CPM में जो वर्ड एम जो है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड को इंडिकेट करते हैं और वो जो है वो स्टैंड करता है फॉर 1,000। The chapter explains that the M in CPM is the Roman numeral for 1,000, but in the real world, many professionals still are not sure. Unfortunately for them, most media salespeople use this term in quoting price for their media, which suggests another Latin term, caveat emptor. बहरहाल जो आपसे कहने की बात यह है कि जहाँ पर CPM आए तो आपने उसको कॉस्ट पर 1,000 से करना है और M से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो है एक लैटिन वर्ड है वहाँ से इन्होंने इसको लिया हुआ है और इस वजह से यानी कि किसी किस्म की आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर जो हमारा क्या नाम है, जो मीडिया प्लान का जो स्टेप्स चल रहे थे उसमें से जो स्टेप नंबर 4 है, डिटर्मिंग मीडिया शेड्यूलिंग या स्केजलिंग, तो ये जो सा अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना मीडिया का स्केजूल कैसे बनाना है। आए आपके साथ पहले शेयर करते हैं कुछ मिनी के स्ट्रेटजीज। और ये जो सा मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज वन ऑफ दीज थ्री स्केजूलिंग स्ट्रेटजीज। एज फॉर एज स्केजूलिंग स्ट्रेटजीज आर कंसर्न, बेसिकली देर आर थ्री ऑप्शन। फर्स्ट वन इज फ्लाइटिंग, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब फ्लाइटिंग में क्या होता है कि आप कुछ अरसे के लिए एडवर्टाइजिंग कंपेन चलाते हैं, फिर उसके बाद उसको स्टॉप कर देते हैं। इस कंपेन की क्या नाम है के बाद एक गैप आ जाता है, उसके बाद फिर आप जो है कोई कंपेन चलाते हैं, फिर गैप आ जाता है, फिर उसके बाद आप अपनी कंपेन चलाते हैं। अब आपने क्या स्केड्यूल किया हुआ कि लेट से कि जी 2 महीने कंपेन चलेगी, फिर 1 महीना स्टॉप कर देना, फिर 2 महीने कंपेन चलेगी, फिर 1 महीना स्टॉप कर देना। उस 2 महीने में भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कि कितनी दफ़ा देना है वो कम ज़्यादा हो सकती है। महीने बाद फिर जब आप देते हैं तो फिर उसमें आप कम ज़्यादा करते हैं। अगर तो आप इस किस्म की स्ट्रेटजीज को यूज़ कर रहे हैं फॉर मीडिया स्केड्यूलिंग, उसको हम कहते हैं फ्लाइटिंग। उसके मुकाबले में जो है एक और है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्केजुलिंग। अब कंटिन्यूस स्केजुलिंग में क्या होता है कि आपके थ्रू आउट द ईयर या जो भी आपका टाइम पीरियड है आप सेम उसका स्केजुल बनाते हैं। लेट्स से कि जी हर महीने हमने 20 एड्स देने हैं। 20 एड्स आपके जनवरी में भी आएंगे, 20 एड्स आपके फरवरी में भी आएंगे, 20 एड्स आपके मार्च में भी आएंगे, रिगार्डलेस
कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपका जो है वो कंटिन्यू स्केच लेंगे। इसके मुकाबले में एक थ्री मीडिया थर्ड मीडिया स्ट्रेटजी जो सी है दैट इज पल्सिंग। अब पल्सिंग में क्या होता है कि कभी आप क्या नाम है कम कर देते हैं, कभी आप ज़्यादा कर देते हैं, इसमें यानी कि बेसिकली वेरिएशंस हैं। तो ये आपके एज फॉर एज द मीडिया स्केजलिंग कंसर्न आपके पास जो है थ्री ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लाइटिंग, सेकंड इज कंटिन्यू स्केजलिंग, थर्ड इज पल्सिंग। और ये सारा जो है ये डिपेंड करता है अगेन आपकी प्रोडक्ट की नेचर पर। अब देखें जो है आपकी फ्लाइटिंग जो है आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपकी कोई सीजनल प्रोडक्ट है। कंटिन्यू स्केजलिंग ये है कि जहाँ पर आपकी कोई उसमें वेरिएशन नहीं आती, चेंज ऑफ वेदर हो गया या क्या नाम किसी किस्म की कोई नहीं, आपकी कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट या डिमांड होती है, उसकी मार्केट है उसी हिसाब से आपको कंटिन्यू स्केजलिंग करनी पड़ेगी। पल्सिंग क्या होती है कि जब आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं आप ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दें, जब आप समझते हैं कि जी अब इसकी ज़रूरत नहीं है रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है उसको कम कर दें, फिर आप ये समझते हैं कि जी अभी फिर उसको एडवर्टाइजिंग कंपेन की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप फिर अपनी जो सी है उसको कंपेन को इंक्रीज कर दें। तो ये जो से आपकी ना यानी कि थ्री ऑप्शन हैं आपके पास फॉर स्केजुलिंग स्ट्रेटजीज, और मोस्टली कंपनीज इन्हीं ही में से कोई एक स्ट्रेटजीज को यूज़ करती है। अच्छा, इस स्लाइड में जो है मैं आपके सामने कुछ यानी कि रियल लाइफ से कुछ मीडिया स्केजुअल जो है वो मैं शेयर करना चाह रहा था। और ये जो मीडिया स्केजुअल है ये प्योरली फॉर न्यूज़पेपर है, बहुत सिंपल सा स्केजुअल बना हुआ है। इसमें आप देखें कि जब आपके पास शुरू में आता है इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि डेट क्या है, क्लाइंट क्या है, प्रोडक्शन की प्रोडक्ट क्या है, फिर उसके अलावा ये है कि आपकी ड्यूरेशन क्या है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज ये लॉन्च ऐड था तो इसमें ये क्या है एक साइड पे आपके न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, फिर स्टेशन है कि कौन कौन से यानी कि स्टेशन से आपके नेशनल है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के ऐसे जैसे यहाँ पर लाहौर मेंशन किया हुआ है। फिर एड साइज कि जी आपका जो एड है वो कैसे जैसे 27x4 ये सेंटीमीटर्स में होता है कलर एड है, और इसी तरह बाकी भी है। फिर ये उसकी जो सी कुछ है कि जिसकी कितना वो बन रहा है आपका उसका यानी कि जो साइज़ जो सा बन रहा है आपकी जो स्पेस है, फिर पोजीशन कौन सी है, फिर उसके बाद आपको डे टाइम आ जाता है, फिर टोटल इंसर्शंस कितनी है, फिर उसमें डिफरेंट रेट्स आ जाते हैं कि जी रेट्स क्या हैं और ये कॉस्ट है। ये कहने का मकसद ये है कि जब आपका कोई भी मीडिया स्केजुअल आएगा जिस तरह एक न्यूज़पेपर का बहुत सिंपल फॉर्म में है तो उसमें इस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जिसपे कि आपने डिसीजन लेना होता है। इस तरह इसके मुकाबले में एक और है यानी कि मैगजीन का है, यहाँ पर वही आपके मैगजीन आ जाएंगे डिफरेंट, जैसे यहाँ पर और है, हेरल्ड है, न्यूज़ लाइन है, न्यूज़ वीक है, टाइम्स है। अब उसमें साइजेस आ रहे हैं जैसे फुल पेज है, फिर आपकी जो सी स्पेस है, अब आप फुल पेज है तो फुल पेज ही स्पेस है, फिर पोजीशन है कि जी ऑर्डनरी है, कलर है, ठीक है कि आप कहाँ पर दे रहे हैं, फिर टोटल इंसर्शंस हैं, फिर उसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल रैक रेट क्या है, और उसके बाद उसकी आपको ग्रैंड टोटल आपको वो बता देंगे। तो इस किस्म के आपके पास डिफरेंट मीडिया स्केजुअल होते हैं जिसकी आपने क्या नाम है जिनको आपने ओके करना होता है, अप्रूव करना होता है, और उसके बाद फाइनली जो है आपके ऐड उसी हिसाब से चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो है आपके सामने जो है एन एग्जांपल ऑफ ए मीडिया स्केजुअल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इसमें देखें कि ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया और मैगजीन मीडिया जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें भी क्या है कि शुरू में जो है आपके पास वही जो है आपकी आ रही हैं सारी जो रिक्वायरमेंट्स जो है कि आपके पास चैनल्स आ रहे हैं इस साइड पे, यू टी वी है, ए आर वाई वन वर्ल्ड है, पी टी वी न्यूज़ है, एक्सप्रेसेस है, उसके बाद हम टी वी है, ए आर वाई डिजिटल है। अब इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है कि आपने क्या नाम है किस किस्म का टी वी सी आपने रिलीज़ करना है, फिर टाइम है डिफरेंट टाइम्स स्लॉट है, फिर उसके बाद स्पॉट ड्यूरेशन है कि आपकी जो एक स्पॉट है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। लेट्स से कि जी आपका जो पहला जो है इसकी 8 सेकंड है, या आपकी 33 सेकंड का है, या इसके बाद आपकी ये आ रहा है, फिर उसके बाद डिस्काउंट रेटेड है, फिर स्पॉट रेट है, फिर टोटल कॉस्ट कितनी है, नंबर ऑफ़ इंसर्शन जो सी कितनी है, नंबर ऑफ़ यानी कि सेकेंड्स कितने बन रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि टी वी सी के केस में जो है आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है कि आपकी ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने टाइम के हिसाब से पे कर रहे होते हैं।
तो इसकी नॉर्मली जो कैलकुलेशंस भी होती हैं, आपको पता है टीवीसी जो है उसकी ड्यूरेशन सेकंड्स में होती है। तो अगर आपका क्या नाम है एक टीवीसी जो है लेट्स से कि आपको बनाया हुआ है कोई 15 सेकंड का और आपके दिन में 10 हैं, तो 150 सेकंड्स आपके बन जाएंगे। उसी हिसाब से वो पर सेकंड जो भी चार्ज कर रहे हैं वो आपसे उसके बिलिंग करेंगे। तो ये आपसे कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आपका जो मीडिया प्लान जो है जब ब्लैक एंड व्हाइट वो फॉर्म में आता है तो उसकी शेप क्या होती है। इसीलिए आपके सामने न्यूज़पेपर्स का, मैगजीन्स का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीनों के जो हैं कुछ एग्जाम्पल जो हैं मीडिया स्केजुअल जो है वो शेयर की गई। उसके बाद जो फाइनल नोट है, मीडिया स्केजलिंग एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द ब्रांड ऑफरिंग पैकेजिंग पब्लिसिटी रिलीजेज एक्सेट्रा मस्ट बी इंटीग्रेटेड सो दैट अ कंपनी डज नॉट मिस अपॉर्चुनिटीज फॉर रीचिंग द राइट ऑडियंसिस एट द राइट टाइम इन डायनेमिक वेज। अ बैड सिनेरियो द मीडिया स्केजल बिगिंस रनिंग बिफोर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल। अगेन उसने यही कहा है कि जी आपका जो मीडिया स्केजलिंग जो है आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ये आपके जो बाकी जो से आपकी जो पैकेजिंग है पब्लिसिटी रिलीजेज हैं उसके साथ लिंक हो। ये नहीं है कि मीडिया आप में आप कुछ कह रहे हैं, पैकेजिंग आपकी कोई और बात कर रही हो, पब्लिसिटी जो सी है वो उसमें कोई और चीज़ आपकी आ रही हो। और उसके अलावा उसने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है कि अगर क्या नाम है सबसे जो बुरा सिनेरियो ये होता है कि आपका क्या नाम है ऐड तो रिलीज़ हो जाए और आपकी जो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है किसी भी ब्रांड के लिए कि आपके ऐड आ रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और सम टाइम्स ये मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि एक साइड पे आप अपनी प्रोडक्ट को मूव करवा रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू, दूसरी तरफ आप अपने क्या नाम है ऐड रिलीज कर रहे होते हैं मीडिया के थ्रू। अगर कहीं पर कोई भी चेंज आ जाए, आपके ऐड रिलीज होना शुरू हो गए लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी प्रोडक्ट जो सी है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से टाइमली गुजर कर कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाए, तो अगेन इट्स अ ब्लंडर एंड सम टाइम इट्स डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ द ब्रांड। अगेन ये वो सोर्सेस हैं जहां से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की आज के लेक्चर के लिए। और उसके बाद हमेशा की तरह आज की अच्छी बात, अ ब्यूटीफुल लाइफ डज नॉट जस्ट हैपन, इट्स बिल्ड डेली विद प्रेयर्स ट्रूथ सिंसियरिटी सेक्रीफाइसेस एंड लव, मे अ ब्यूटीफुल लाइफ बी योर्स ऑलवेज। बहुत सिंपल सा मैसेज है, इसका कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी विश के साथ कि मे अ ब्यूटीफुल लाइफ बी योर ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।